हेलो एवरीवन, आई एम जरक शाह ज़ेब द फ्रेंड। आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा आज हम किस टाइप की फोटो रिटर्न करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहां पर प्लस पर क्लिक करनी है और यहां पर गैलरी से आप लोगों ने पिक ऐड कर लेनी है। हाँ फ्रेंड, तो ये वाली पिक मैंने ले ली। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर पेंसिल में आ जाना है। पेंसिल में आने के बाद आप लोगों ने टून इमेज पे क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर आप लोगों ने ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेनी है और बाकी कंट्रास्ट को आप लोगों ने माइनस कर देना है। बाकी आप लोगों ने आ जाना है हाईलाइट में, हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है और शेडो को थोड़ा सा माइनस करके आप लोगों ने टेक पे क्लिक कर देना है। टेक पे क्लिक करने के बाद फिर आप लोगों ने सिंपली पेंसिल में आ जाना है और डिटेल्स वाले ऑप्शन में आ जाना है। इसको आप लोगों ने स्ट्रक्चर को माइनस कर लेना है और शार्पनिंग थोड़ा सा इंक्रीज करना है और टेक पे क्लिक कर देना है। टेक पे क्लिक करने के बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली पेंसिल में आ जाना है। पेंसिल में आने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है, अब यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है डबल एक्सपोजर पे क्लिक, आप लोगों ने क्लिक कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने एक बैकग्राउंड ऐड करना है। मैं जल्दी जल्दी में ऐड कर लूँगा। हाँ फ्रेंड, तो ये वाला बैकग्राउंड मैंने ऐड कर लिया। अब आप लोगों ने यहाँ पर आना है, इसको टेक पे क्लिक कर देना है और फॉलो कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है और सिंपली व्यू एडिट पे क्लिक कर देनी है। व्यू एडिट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके यहाँ पर ब्रश पे कर लेनी है क्लिक। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर इसको अनेबल कर देना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसको ऐसे ही रहने दें। अब आप लोगों ने इसको 100 पे डबल एक्सपोजर पे रखना है और यहाँ पर आप लोगों ने ये क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये हो रहा है, तो अब मैं जल्दी जल्दी में कर दूँगा। हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है, यहाँ तक होने के बाद आप लोगों ने फिर सिंपली पेंसिल में आ जाना है। पेंसिल में आने के बाद अब आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्टिव का, तो आप लोगों ने इसको कर लेना है सिलेक्ट और इसके फेस पे आप लोगों ने ये रख लेना है। ठीक है, फेस पे रखने के बाद आप लोगों ने ब्राइटनेस इंक्रीज कर लेनी है, कंट्रास्ट को माइनस कर लेना है और सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पर पेंसिल में आना है। पेंसिल में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर कर्व्स वाला ऑप्शन ले लेना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक आप जैसे ही करेंगे ना, तो यहाँ पर ये रेड पे क्लिक आप लोगों ने कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हो गया और इसको आप लोग ऐसे करें और टेक कर दें। टेक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आना है। अब आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने इधर आना है। इधर आने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे ब्रश पे क्लिक कर देनी है और यहाँ पर आप लोगों ने इसको अनेबल कर देना है और जीरो पे और इसको ऐसे कर देना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने इसके फेस से उतार देना है, तो अब मैं जल्दी जल्दी में कर दूँगा। हाँ तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने इसको भी कर दिया। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब आप लोगों ने करना है क्या, ठीक है, यहाँ तक बैक आप लोगों ने आ जाना है। फिर आप लोगों ने सिंपली पेंसिल पे कर देनी है क्लिक। फिर आप लोगों ने यहाँ पर ये बोर्ड सेलेक्ट कर देना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर सैचुरेशन पे कर देनी है क्लिक और आप लोगों ने इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है और यहाँ पर आप लोगों ने इसके लिप्स पे लगा लेना है और यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की पिक रेडी हो गई है। अब आप लोगों ने यहाँ पर आना है और आप लोगों ने सेव कर लेना। फ्रेंड, आज की मेरे पास यही थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।